तानाजी के बाद क्या अजय देवगन महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाने जा रहे हैं? क्या हल्दीघाटी की लड़ाई हल्दीघाटी में नहीं हुई थी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रेड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। हाल ही रिलीज हुई अजय देवगन अभिनीत फिल्म तानाजी, इससे पहले आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत और संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत, सभी फिल्में इतिहास से जुड़ी हैं और सफल भी रहीं। फिल्म निर्देशक विक्की राणावत महाराणा प्रताप पर भव्य फिल्म का निर्माण करने की तैयारी को लेकर इन दिनों उदयपुर में सक्रिय हैं। वो बताते हैं कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप पर प्रस्तावित फिल्म की स्क्रिप्ट उदयपुर के इतिहासकार राजशेखर व्यास ने लिखी है और फिल्म की शूटिंग का भव्य मुहूर्त महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया है। महाराणा प्रताप और सिसोदिया राजवंश से जुड़े फिल्म निर्देशक विक्की राणावत का कहना है कि ये उनकी मेगा बजट फिल्म होगी और इसे भव्य तरीके से फिल्माया जाएगा। कुंभलगढ़ तथा महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी, जिसके लिए आवश्यक कार्य पूरा किया जा चुका है। फिल्म की स्क्रिप्ट उदयपुर के इतिहासकार डॉक्टर राजशेखर व्यास ने लिखवाई है। उनका कहना है कि ये फिल्म रियलिस्टिक ढंग से शूट की जाएगी, यानी उनका सिनेमा ऑथेंटिक होगा। इतिहास से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और ना ही फिल्म को ड्रामेटिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। उनकी फिल्म में राजस्थान के कल्चर को हूबहू दिखाया जाएगा। कुछ दिन पहले एक नया इतिहास बताया गया कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था। अभी तक इसके ठीक उल्टी बात बताई जाती थी। ये भी प्रचलित बात थी कि महाराणा प्रताप अपनी कसम को बचाए रखने के लिए घास की रोटियां खाते रहे, जंगलों में रहते रहे। कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के मंत्री मोहनलाल गुप्ता ने सुझाव दिया था कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की जगह राणा प्रताप को विजेता दिखाया जाए। अब राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध जारी किया है। शर्मा के हिसाब से राणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से महाराणा प्रताप की जीत हल्दीघाटी के युद्ध में हुई थी। अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी करते? लोगों का एक खास तबका इस नए इतिहास को बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या मानी जाए? आइए नजर डालते हैं जून 1576 में हुए हल्दीघाटी के इस युद्ध की ऐसी बातों पर जो अब तक हमारी जानकारी में रही हैं। ये जानकारियां सदियों तक सार्वजनिक दायरे में थी और कैसे अब एकाएक सदियों के तथ्यों से भरे एक नया इतिहास रचने की कोशिश हो रही है। पढ़ें और खुद तय करें। हल्दीघाटी में नहीं हुई थी लड़ाई। हल्दीघाटी राजस्थान की दो पहाड़ियों के बीच एक पतली सी घाटी है। मिट्टी के हल्दी जैसे रंग के कारण इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। इतिहास का ये युद्ध हल्दीघाटी के दर्रे से शुरू हुआ, लेकिन महाराणा वहां लड़े नहीं थे। उनकी लड़ाई खमनौर में चली। मुगल इतिहासकार अब्दुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। महाराणा प्रताप अपने अश्वरोही दल के साथ हल्दीघाटी पहुंचे, परंतु भयंकर रक्तपात खमनौर में हुआ था। बस 4 घंटों में बदल गया सब। हल्दीघाटी के युद्ध की 2 तारीखें मिलती हैं, पहली 18 जून और दूसरी 21 जून। इन दोनों में कौन सी सही है, एकदम निश्चित कोई भी नहीं है। मगर सारे तथ्यों में एक बात तय है कि ये युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था। हॉलीवुड फिल्म 300 वाली योजना थी, मगर राणा जी चला नहीं पाए। 2006 में रिलीज हुई डायरेक्टर जैक श्राइडर की हॉलीवुड फिल्म 300 इतिहास के एक चर्चित युद्ध पर बनी। इस फिल्म में राजा लियोनाइडस अपने 300 सैनिकों के साथ 1,00,000 लोगों की फौज से लड़ता है। पतली सी जगह में दुश्मन एक एक कर अंदर आता है और मारा जाता है। राणा प्रताप ने इसी तरह की योजना बनाई थी, मगर मुगलों की ओर से लड़ने आए जनरल मानसिंह घाटी के अंदर नहीं आए। मुगल जानते थे कि घाटी के अंदर इतनी बड़ी सेना ले जाना सही नहीं रहेगा। कुछ समय सब्र करने के बाद राणा की सेना खमनौर के मैदान में पहुंच गई, जिसके बाद जबरदस्त नरसंहार हुआ। कहते हैं कि 4 घंटों में 400 साल का इतिहास तय हो गया। सेनाओं में नहीं थी बराबरी। राणा प्रताप की सेना मुगलों की तुलना में 1/4 थी। सेना की गिनती की ही बात नहीं थी, कई मामलों में मुगलों के पास बेहतर हथियार और रणनीति थी। मुगल अपनी सेना की गिनती नहीं बताते थे। मुगलों के इतिहासकार बदायूनी लिखकर गए हैं, 5,000 सवारों के साथ कूच किया। दुश्मन को लग सकता था कि 5,000 की सेना है, मगर ये असल में सिर्फ घोड़ों की गिनती है, पूरी सेना की नहीं। इतिहास में सेनाओं की गिनती के अलग अलग मत हैं। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि 22,000 राजपूत
80,000 मुगलों के खिलाफ लड़े थे। ये गिनती इसलिए गलत लगती है क्योंकि अकबर ने जब खुद चित्तौड़ पर हमला किया था तो 60,000 सैनिक थे। ऐसे में वो मानसिंह के साथ अपने ज्यादा सैनिक कैसे भेज सकते थे। अगर राजस्थानी इतिहासकार मुहूर्त नैनसी, मुगल इतिहासकार अब्दुल कादरी बदायूनी, अब्दुल फजल और प्रसिद्ध हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार के आंकड़ों को मिलाकर एक औसत निकाला जाए तो 5,000 मेवाड़ी और 20,000 मुगल सैनिकों के लड़ने की बात सामने आ सकती है। मगर ताकत का बंटवारा सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं होता। मेवाड़ के पास बंदूकें नहीं थी जबकि मुगल सेना के पास कुछ 100 बंदूकें थी। राणा प्रताप की तरफ से प्रसिद्ध राम प्रसाद और लूना समेत 100 हाथी थे। मुगलों के पास इनसे 3 गुना हाथी थे। मुगल सेना के सभी हाथी किसी बख्तरवंत टैंक की तरह सुरक्षित होते थे और इनकी सूंड पर धारदार खांडे बंधे होते थे। राणा प्रताप के पास चेतक समेत कुल 3,000 घोड़े थे। मुगल घोड़ों की गिनती कुल 10,000 से ऊपर थी। मेवाड़ की तरफ से तोपों का इस्तेमाल न के बराबर हुआ। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूतों की भारी तोपें नहीं आ सकती थी जबकि मुगल सेना के पास ऊंट के ऊपर रखी जा सकने वाली तोपें थी। लड़ाई में राजपूतों ने ऊंटों का भी इस्तेमाल नहीं किया जबकि मुगल इतिहासकार मोहम्मद हुसैन लिखते हैं, मुगल फौज में ऊंटों के रिसाले आंधी की तरह दौड़ रही थी। राणा के बदले छाला को जान देनी पड़ी। युद्ध के बीच में एक समय पर राणा प्रताप को मुगलों ने घेर लिया। उनके दूर से दिखते मुकुट को ही निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में सरदार मन्ना जी छाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया। कहा जाता है कि राणा उस समय तक पूरी तरह घायल हो गए। मुगल सेना ने मन्ना जी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। मन्ना जी कुछ देर तक संघर्ष कर पाए मगर अपनी जान देकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। तो दोस्तों, आपने अजय देवगन की राणा जी फिल्म तो देखी होगी। ये फिल्म सुपरहिट थी और इसमें अजय देवगन को तानाजी के रूप में सभी ने पसंद किया था। तो उसी कड़ी में अजय देवगन एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं और उस फिल्म का नाम है धरती का वीर योद्धा महाराणा प्रताप। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और बाकी का काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आप क्या अजय देवगन को महाराणा प्रताप के रूप में देखना पसंद करेंगे? क्या वो इस फिल्म को तानाजी की तरह हिट बना पाएंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीक्राफ्ट स्टूडियो।